नहीं तो छोटा सा बालक 5 वर्ष के उम्र में सब कुछ छोड़ करके वन में जा रहा है। आप एक बार सोच करके भी देख लीजिए, 5 साल का बालक वन में जा रहा है और बार बार यही कहता है कि मुझे भगवान को पाना है, तपस्या करूंगा, दृढ़ विश्वास है। ध्रुव का अर्थ ही यही है, दृढ़ता, विश्वास है। जो विश्वास कभी टूटता नहीं वो विश्वास ध्रुव जी में है। अगर आजकल के बच्चों को कह दिया जाए ना तो यहाँ बैठो और हनुमान चालीसा पाठ करो, बस हनुमान चालीसा पाठ करना है, फिर छुट्टी, फिर जा सकते हो कहीं भी खेलने, तो वो उतना भी नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? इसमें कमी किसकी है, गलती किसकी है? वो बालक की है या फिर आपकी है? हाँ, गलती किसकी है? आपकी है। क्यों? क्यों आपकी है? क्योंकि आपने संस्कार नहीं दिया। जो संस्कार सुनीति देवी ने ध्रुव जी को दिया, वही संस्कार अगर हर एक माँ अपने बालक को दे देती तो बालक भी बैठ करके हनुमान चालीसा पाठ करता, गीता पाठ करता, उसमें सुंदर संस्कार आते। देखिए, बालक जो है ना कच्चे मिट्टी के समान है। जिस प्रकार कच्चे मिट्टी को जैसा आकार दिया जाता है वो उसी प्रकार बनकर के निर्मित होता है, तैयार होता है। उसी प्रकार बालक को जैसा संस्कार दिया जाता है उसी प्रकार वो बालक अपने संस्कार से अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। प्यार से बोल दीजिए ना, मस्ती में बोलो ना। आज ध्रुव जी महाराज गए वन में। अब नारद जी महाराज ने पूछा कि बेटा तुम जा तो रहे हो, तुम्हारी बात को सुनकर के मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, क्योंकि इतने कम उम्र में ये विश्वास हो जाना बहुत बड़ी बात है। हम लोग कहते हैं हम भगवान के भक्ति करेंगे, हम तो कर सकते हैं, एक जगह बैठ करके भजन भी कर सकते हैं, कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन अपने आप को पूछ लीजिए, अपने अंतर हृदय से सवाल करिए, क्या मैं सच्चा भक्त हूँ? भक्ति का मतलब केवल दिखावा करना नहीं होता, भक्ति का मतलब विश्वास के साथ में एकाग्र चित्त से भगवान का भजन करना होता है।